अस्सलाम वालेकुम जी। इंस्टॉलमेंट और कैश के ऊपर मैं आज लेके आ चुका हूँ एक खूबसूरत 5 मरला का विलाज, जिसकी सबसे पहले मैं लोकेशन की बात करूँ तो पार्क व्यू सिटी जो है वो इसमें ये विलाज मौजूद है और 5 मरला का ये साइज़ है। खूबसूरत आप चेक करेंगे स्ट्रीट ओवर व्यू व्यूअर्स, इसमें आप देखेंगे फ्रंट एलिवेशन खूबसूरत काम किया गया है। व्यूअर्स, इस विला की प्राइस की अगर बात करें तो बहुत ही मुनासिब है। वीडियो में साथ जुड़े रहिएगा, हम लास्ट में प्राइस की जो है वो फुल कैश पेमेंट पे भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो है इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी इसके साथ आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कार रैम की स्पेस, जिसमें आप चेक कर सकते हैं टफ टाइल कवर किया गया और बाहर खूबसूरत आपको इसका छोटा सा ग्रीन एरिया देखने को मिलता है। फ्रंट एलिवेशन आपको अगर एक विलाज का ये मैं क्लोजली चेक करवाऊँ तो ये आप चेक कर सकते हैं इसका खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन। इंटर होते हैं ए प्लस क्वालिटी में, इसमें टोटली जो है वो विलास को डिज़ाइन किया गया है। अमूमन जो है वो इसमें तकरीबन कहें कंस्ट्रक्शन में दरमियाना काम ही किया जाता है, मगर ये विलास आप चेक करें खूबसूरत काम किया गया है। पार्किंग की बात करें कार पार्किंग की, तो एक बड़ी गाड़ी की इधर इजीली एक बड़ी गाड़ी की पार्किंग है, आप ये चेक कर सकते हैं। खूबसूरत मार्गला के व्यू के साथ इसकी सोसाइटी की आपको पता है लोकेशन मौजूद है। तो व्यूअर्स, इंटर होते साथ ही हमें देखने को मिलता है एक बड़ा सा खूबसूरत सा ये टीवी लॉन्च का एरिया है। अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूं तो सिंगल यूनिट ये बनाया गया है, यानी कि एक फैमिली इसमें इजीली रह सकती है। और ये इसकी आ जाएगी राइट साइड के ऊपर मीडिया वॉल और लेफ्ट साइड के ऊपर हमें देखने को मिलता है इसका बड़ा सा ये ड्राइंग रूम का एरिया। अगर आप इसका ड्राइंग रूम का सिटिंग एरिया चेक करें तो ओपन स्पेस दी गई है, टीवी लॉन्च और ड्राइंग प्लस ये दोनों कॉमन दिए गए हैं। और इसके बिल्कुल सामने आ जाएगी इसकी विंडो, दो विंडो जो हैं वो इसमें इंस्टॉल है राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर। और बाहर का इधर से आप व्यू भी चेक कर सकते हैं, खूबसूरत व्यूअर्स ये इसका व्यू है दिया गया स्ट्रीट्स ओवर व्यू का। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया, फ्रंट ओपन है और इधर सामने वाली साइड भी इसकी टोटली विला जो है वो डिज़ाइन किए जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं इसके सबसे पहले ग्राउंड पोर्शन की किचन की जानिब, तो उधर से मैं अपने व्यूअर्स को चेक करवाऊंगा। नीचे किचन में फ्लोर पैनल देख सकते हैं और नीचे टोटली जो है वो कैबिनेट्स वगैरह शीट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। इधर आप देखेंगे इसका बर्नल और ऊपर वाली साइड के ऊपर हुड देख सकते हैं और इधर लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाएगा इसका वॉश एरिया। वेंटिलेशन के लिए विंडो भी प्रॉपर मौजूद है और बैक साइड का ये डोर भी दिया गया है, जिधर मैं आपको चेक करवाता हूँ। बैक साइड के ऊपर प्रॉपर गीजर लॉन्ड्री वगैरह की इधर भी स्पेस मौजूद है। अगर इसके किचन के शीट्स पर की काम करें तो वुडन कलर में इसका खूबसूरत ये किचन का काम किया गया है शीट्स के साथ। ऊपर इसका हुड भी इंस्टॉल है, नीचे बर्नर ऑलरेडी मैंने चेक करवाया। अभी बढ़ते हैं इसके फर्स्ट ग्राउंड पोर्शन के मास्टर बेडरूम की जानिब, उससे पहले ये इसके डोर वर्क का भी काम चेक कर रहे हैं। ये खूबसूरत ये वुड में काम किया गया है। बाकी वापस ड्राइंग और डाइनिंग की जानिब, लेफ्ट साइड के ऊपर फर्स्ट ये ग्राउंड पोर्शन का बेडरूम चेक करवाऊंगा। नीचे फ्लोर पैन देख सकते हैं, ऊपर आप इसका सिंपल सा सीलिंग डिज़ाइन वर्क, सामने इधर आ जाएगी इसकी फीचर वॉल्स, इधर वॉलपेपर का काम किया गया है और साथ इधर हमें देखने को मिलता है इसकी बाथ की डिज़ाइनिंग। बाथ की डिज़ाइनिंग की बात करें तो नीचे वाइट और इधर ये ब्लैक ब्राउन टाइप जो है वो टाइल लगाई गई है। वैनिटी के सेटअप आप देख सकते हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडो चेक कर सकते हैं। ये इसकी बाथ की डिज़ाइनिंग, बाथ और बाथ के साथ साथ आप बेडरूम का साइज़ भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा जो है वो इसका साइज़ दिया गया है। साथ ही इधर आपको देखने को मिल जाते हैं इसके कैबिनेट्स वगैरह, ये आप चेक करेंगे बस। और इधर से लेफ्ट साइड पे स्टेयर्स आ रही हैं सीधी ऊपर वाले पोर्शन के लिए, स्टेयर्स का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं खूबसूरत। लेफ्ट साइड के ऊपर इसकी ग्रिल लगाई गई है और उसके बिल्कुल नीचे में अगर चेक करवाऊँ तो आ जाएगा ये इसका पाउडर रूम। रिवर्स इंग्लिश सीट इसमें इंस्टॉल की गई है। बढ़ते हैं इसके ऊपर वाले पोर्शन की जानिब और स्टेट्स का डिज़ाइन आप चेक कर लें। चलते हैं इसके ऊपर वाले पोर्शन में और डिटेल में इसके ऊपर वाले पोर्शन को टूर करते हैं। ऊपर सबसे पहले एंट्री होते साथ ही ये कुछ थोड़ी सी ये लोबी का स्पेस आप चेक कर सकते हैं, सीधी जा रही है ऊपर आपके सर्वेंट वगैरह मेड वगैरह के लिए अगर यूज़ कर लें उसको। फर्स्ट ऊपर वाले पोर्शन का मास्टर बेडरूम, नीचे फ्लोर प्लान, सामने आ जाएगा इसका खूबसूरत फीचर वॉल्स। अगर इसका क्लोजली मैं चेक करवाऊँ तो वॉलपेपर का काम किया गया है, इसको आप एज ए गेस्ट बेड ड्राइंग रूम भी तसव्वुर कर सकते हैं, मगर ये प्रॉपर मास्टर बेडरूम बनाया गया है। साथ ही इसी बेडरूम से हमें देखने को मिलता है इसका छोटा सा टेरेस, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। कैबिनेट्स आप चेक कर लें और इसके साथ आ जाएगा ब्लैक एंड वाइट में बाथ की डिज़ाइनिंग खुली ऊपर तक। वैनिटी वगैरह चेक कर लें, जल्दी से भी टूर करेंगे इसका सेकंड मास्टर बेडरूम। ऊपर वाले पोर्शन में ये मास्टर बेडरूम सबसे बड़ा है और ये खूबसूरत है। नीचे वुडन कलर में टाइल वर्क लगाई गई है, लेफ्ट साइड के ऊपर वॉलपेपर है, सामने कैबिनेट्स है, ऊपर सीलिंग डिज़ाइन वर्क है और इसके बिल्कुल साथ ही हमें देखने को मिलता है इसकी बाथ की डिज़ाइनिंग।
ये चीज़ आप चेक करें। बिकॉज जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि काम का इसमें कंप्रोमाइज नहीं किया गया, खूबसूरत और सॉलिड और ये अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं। और इसके बिल्कुल साथ आपको छोटी सी बालकोनी टाइप मिलती है, इसको आप मिनी टेरेस भी कह सकते हैं। और थर्ड लास्ट मास्टर बेडरूम चेक करवाऊँगा आपको, ये चीज़ चेक करें। पीछे वही सेम फ्लोर प्लान वुडन कलर में, ऊपर सीलिंग डिज़ाइन में, सामने फीचर वॉल्स, और हर बात की डिफरेंट डिज़ाइनिंग है। जैसा कि आपने देखा है, खूबसूरत से खूबसूरत बात डिज़ाइन किया गया है। कैबिनेट्स इसमें टेरेस और बैक साइड पे वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। ऊपर अगर अकोमोडेशन की बात करें, प्रॉपर 3 बेडरूम दिए गए हैं। नीचे अगर बात करें तो 1 बेडरूम दिया गया है, टीवी लाउंज और किचन दिया गया है। नीचे वाले को अगर ड्राइंग रूम के तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अभी जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि लास्ट में आपके साथ इसकी हम डिस्कस करेंगे डिमांड। और ये आ गया है, इसका सर्वेंट रूम भी चेक कर लें, मार्बल इधर लगाया गया है, और साथ इसकी बाथ की डिज़ाइन भी देख लें। इस गली में तकरीबन जो है वो काफ़ी सारे विला सेल आउट हो चुके हैं, लोग रहाइश पजीर हो रहे हैं। छत के ऊपर बात करें तो ये आप देख सकते हैं, और सामने वाला एरिया आप देखेंगे हाइटेड इसका एरिया, और ख़ूबसूरत ऊपर से या विलास की लोकेशन वगैरह देख सकते हैं। आसपास टोटली घर आबाद हैं, और ऊपर से आपको ये मार्बल व्यू भी देखने को मिलता है व्यूअर्स, पहाड़ियों का ये आप कह सकते हैं। और इसमें अभी हम डिमांड को डिस्कस कर लें तो ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर 3.5 करोड़ रुपये में 5 परले का आपको रेडी टू मूव विलास मिल जाता है। अगर आप इसमें कैश में जाते हैं तो आपको इससे भी मुनासिब, काफ़ी मुनासिब जो है वो आपको मिल जाएगा। कैश पे लेना चाहते हैं या इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है। जल्दी आएँ, मेरे दिए गए नंबर पर रابطہ करें जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। देखने वाले से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।